डॉक्टर लोग कोई आ क्यों नहीं रहा है? आखिर क्या हाल है अर्ज का? डॉक्टर साहब, कैसा है हर्ष? देखिए मिस्टर शास्त्री, हमने मिस्टर हर्ष की सर्जरी तो कर दी है जी, लेकिन उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। काफी खून बह चुका था। अभी हाल ही में उनके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और अभी हादसा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अभी सब कुछ अनसर्टेन है। हम लोग जितना कर सकते थे वी हैव ऑलरेडी डन दैट। अगले 24 घंटे उनके और हमारे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक तो है ना? आप क्या भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो? ज्यादा प्रार्थना मत करो, कहीं सुन ली तो ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा वो राजेश, क्योंकि इस बार उसका सुरक्षा चक्र, उसका कवच जो उसके पास नहीं है। दादी, शिखर ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको नहीं लगता जब जानकी हर्ष के साथ होती है तो हर्ष सेफ रहता है? पापा जी, आप ही बताइए, अगर हर्ष की सेफ्टी की बात है तो जानकी को हमें लगता है वापस आ जाना चाहिए। वो उसके साथ सेफ। वरना क्या कह रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है जानकी ने क्या किया हमारे साथ? फिर भी राजेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई डोंट केयर अबाउट जानकी, मैं तो सिर्फ हर्ष के बारे में सोच रही थी। और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे दादी की, पापा जी और मम्मी जी की है। देखो मम्मी जी को रो रो के बुरा हाल कर दिया, दादी ने जानकी की चिंता में उनकी हालत देखो कैसी होगी, और पापा जी कितनी टेंशन में है। इस वक्त हर्ष से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। और अगर ऐसे में मुझे मेरी सौतन को भी बुलाना पड़े तो मैं दूसरी बार नहीं सोचूंगी। तो फिर जानकी क्या चीज है? दादी, शिखर, जानकी को फोन लगा। उसे किसी भी तरह यहां आने के लिए मना। मुझे यहां किसी की भी परवाह नहीं। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, मुझे राम की भी परवाह नहीं। मुझे मेरी जानकी वापस चाहिए। अगर वो वापस आ गई तो मेरा हर्ष फिर से ठीक हो जाएगा। दादी, जानकी आ जाएगी। दादी, भाभी का फोन नॉट अवेलेबल है। उसके भाई को फोन लगा। हाशा, जानकी तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत में है ना, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। और अगर जानकी को कुछ भी हुआ ना तो हमारा रिश्ता खत्म। मरते दम तक हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। हम क्या करते, हम अकेले थे, कैसे बचाते उसको? तुम माँ नहीं, माँ के नाम पे कलंक हो। एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए ना अपनी जान लगा देती है। ये शान और शौहरत के लिए अपनी खुद की बेटी की जान और इज्जत दोनों दांव पे लगाती। इतना नीचा कैसे गिर गई तुम, कैसे? नितिन बेटा, आज के आज ये सारा सामान बेच दो। एक मिनट, कुछ भी हो जाए ना, जानकी को कुछ नहीं होना चाहिए, भेज दो सब। आप चिंता मत करिए पापा, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। जा बेटा जा। शिखर का फोन? वैसे ये लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है दी की हालत के लिए। अगर इन्होंने दी को घर से बाहर ना निकाला होता ना पापा, तो आज दी की ये हालत ना होती। बेटा फोन उठा ले। और कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया था जिसके लिए फोन किया? Listen to me, Nitin. देखो तुम्हारा गुस्सा justified है, पर Nitin, इस वक्त हर्ष भाई को जानकी भाभी की बहुत ज़रूरत है। Please, कुछ भी करके जानकी भाभी को यहाँ पर भेज दो। Please, कुछ भी करके। I'll make sure, Nitin, I'll make sure कि उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उनका ख्याल रखूंगा। I'll make sure कि उनको कोई तकलीफ ना हो पाए। क्या कहा तुमने? तकलीफ नहीं होने दोगे? शिखर, तुम्हारा परिवार ना ऑलरेडी बहुत तकलीफ दे चुका है हमारी बहन को। गुलाम समझ के रखे हमारी बहन को, और इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे फोन करने की? हाँ, आप समझ में आए, ये जो तुम्हारे हर्ष भैया उनको गुड़िया के साथ खेलने का मन किया होगा, है ना? शिखर, कान खोल के हमारी बात सुन लो। हमारी बहन उस घर में कभी वापस नहीं आएगी, समझ में आई तुम्हें बात? हेलो,
क्या कर दिए, उनको जानकी चाहिए और हम लोग को पैसा। तुम उनको बोलो कि अगर जानकी को बुलाना है तो हम लोग को पैसा देना होगा, हम दोनों का काम हो जाएगा। अरे कुछ तो सोच के बोलो, इतनी छोटी कैसे हो गई है सोच तुम्हारी। हम मानते हैं जानकी तुम्हारी सौतेली बेटी है, आ ना सही, एक औरत के बहाने कम से कम कुछ तो रहम करो उस पे, कुछ तो सोचो उसके बारे में। तुम्हें क्या लगता है वो लोग जिसने उसे घर से बाहर निकाल दिया, पुलिस स्टेशन भेज दिया, उसे बचाने के लिए पैसे देंगे? अरे एक बात कान खोल कर सुन लो, हमें उनके पैसे की जरूरत भी नहीं है। हम अपने लिए नहीं, जानकी की जान के लिए। उसकी जान बचाने के लिए ना उसका ये पापा जिंदा है, उसके लिए हमें अगर कुछ भी करना पड़े ना हम सबके लिए तैयार है। एक बार अपनी अपने आप को बेचना पड़े ना तो हम अपने आप को भी बेच देंगे, लेकिन जानकी को हम वापस लेकर आएंगे कैसे भी। ये ब्रिज मोहन श्रीवास्तव का वादा है तुमसे। देख रहे हो ना राजेश, कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही है तुम्हारी बीवी। अम्मा जी से कहकर जानकी को यहां बुलाने की साजिश कर रही है, साजिश। लौनत है तुम पर, कैसे पति हो तुम, अपनी पत्नी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। शिखर जानकी को फोन करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका कांटेक्ट हो गया और जानकी को इस बात का पता चल गया कि हर्ष की हालत ये है, तो वो नंगी पांव दौड़कर यहां चली जाएगी और फिर हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, अब हम हमारा प्लान फेल होते हुए नहीं देख सकते राजेश। आप चिंता मत करो, आपका कोई भी प्लान फेल नहीं होने दूंगा मैं। मुझे क्या पता था ये वन्ना की बच्ची जाके दादी से ये सब बात करेगी। अरे शिखर और दादी कम थे क्या कि ये भी उस मनहूस की चमची बनती जा रही है, और वैसे भी बहुत जबान चलने लगी आजकल इसकी, अब अभी सबक सिखाता हूं इसको। पगला गए हो क्या राजेश, गुस्से में आकर कुछ भी करने से पहले वक्त की नजाकत को समझना सीख लो। इसको तो बाद में भी समझा दोगे तुम, लेकिन अभी इस वक्त हमें अपने प्लान पर ध्यान देना होगा, वक्त बहुत कम है हमारे हाथ में। अगर जानकी यहां आ गई ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे राजेश, कुछ भी नहीं। इसलिए उसकी यहां आने से पहले हमको हर्ष का काम तमाम करना पड़ेगा। और कैसे माँ कैसे, देखा नहीं बाप राम को कितने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए उस हर्ष को लेकर, सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी है उसकी, उसके बाहर जो सीसीटीवी लगा है उसकी उसकी जांच भी खुद कर रहा है, सामने से देख रहे हैं सब। लगता तो नहीं है माँ के अब उसके नजदीक जा पाएंगे हम या कोई भी। अगर ये बात है तो हमको कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ट्राम भी हमको रोक नहीं सकेंगे। रिटायरमेंट लेकर आराम करेंगे और मॉम को लेके एक अच्छे से वर्ल्ड ट्रिप पर जाएंगे। बिजनेस की सारी डील पहले घर से शुरू होनी चाहिए। ये क्या हो गया हर्ष, तुम्हारी ऐसी हालत हमसे देखे नहीं जाती। जल्दी ठीक हो जा हर्ष, एक तुम ही तो थे जिसने हमेशा हमारा साथ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। अरे हमने तो अभी तक तुम्हें यह भी नहीं बताया कि सविता तुम्हारी असली मां नहीं है बल्कि सौतेली मां है। ठीक हो जाओ हर्ष। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हर्ष, तुम्हें ठीक होना ही होगा, होना ही पड़ेगा, हमारे लिए हमारे परिवार के लिए ठीक होना पड़ेगा। मौत से लड़कर ठीक होकर हमारे पास आना ही होगा हर्ष, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है हर्ष।
कपड़े चेंज कर दो और सुनो जल्दी करना। नितिन बेचारा बेटा सब कुछ बिक गया। जी पापा, एक दोस्त की मदद से चोर बाजार में सब बेच दिए। पूरे 5 लाख आ गए ना? नहीं पापा, 5 लाख तो नहीं, केवल 3.25 लाख ही हुए हैं। अभी हमें और पैसे चाहिए होंगे। नितिन, हम कहां से लाएंगे? हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब बेच दिया, कुछ नहीं है अपने पास। और जानकी को कैसे बचाएंगे? नितिन क्या करेंगे? हमें भी समझ नहीं आ रहा पापा कि सुबह तक पैसे कैसे करेंगे, और अगर सुबह तक पैसे नहीं हुए तो दी को कैसे बचाएंगे? कोई है? हमें प्यास लगी है, प्लीज पानी पिला दो हमें। अरे ये लड़की कहीं मर तो नहीं गई? कैसे कैसे मरेगी, बेहोश हुई है, अभी होश में आ जाएगी। वैसे भी कल इसकी डिलीवरी है, बहुत मोटी रकम हाथ लगने वाली है। अगर इसके माँ बाप ने कहीं से पैसे इंतजाम करके दे भी दिए, फिर भी हम इसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे बेच चुके हैं। इस लड़की की माँ के बेवकूफ़ी की वजह से हमारे दोनों हाथ में पैसे ही पैसे आएंगे। हम जो बात कह रहे हैं वो समझ गए? हमारी परमिशन के बिना कोई भी हर्ष के कमरे में जाएगा नहीं। कोई भी नहीं का मतलब है कोई भी नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी नहीं। अगर हमें पता चला कि हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्ष की जिंदगी के साथ कोई चांस नहीं ले सकते, किसी पर भरोसा नहीं है हमें। तो क्या होगा मां? बाप ने हमने नया खेल खेल दिया तो हमें भी नहीं मिलने देंगे उसे। कुछ करो ना, जो प्लानिंग की है सारी मेहनत से बर्बाद हो जाएगी हमारी। राम वो कुछ नहीं सुनना चाहते हम। हम जानते हैं तू क्या कहने वाली हो। ये फैमिली वालों को भी हर से मिलने नहीं देना चाहते तुम, ये तुम्हारी गलती है। ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो तुम। हाँ हम ओवर प्रोटेक्टिव हैं, इसलिए प्लीज तुम दखल अंदाजी मत करो और जाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं राम, हम बस यही कहने आए थे कि आप जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस तरह के हमले हो रहे हैं ना बार बार हर्ष पर, वो देख के हमको भी अब टेंशन आने लगी। अब तो हमको ये लगने लगा है कि कहीं कहीं ये सब जानकी का किया तरह ना हो सकता है उसके दिमाग में ये बात आ गई हो कि अगर हर्ष उसका नहीं हो सकता तो वो और किसी का नहीं होने देगी, और उसको मारने की कोशिश कर रही हो। मतलब ऐसा हमको लगता है, अगर वो अम्मा जी के कहने पर यहाँ आ गई ना तो ऐसा ना हो राम कि हर्ष के लिए कोई और नई मुसीबत खड़ी हो जाए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप कोशिश कीजिएगा कि जानकी यहाँ ना आने पाए। हाँ राम, हम हर्ष के लिए मन्नत मानने के लिए पहाड़ों वाली माता के मंदिर जा रहे हैं। हम नंगे पाँव जाएंगे सीढ़ियाँ चढ़ के और बिना खाए पिए रहेंगे जब तक हम अपने बच्चे की जान वापस नहीं मांग लेते। कितना सोचती हो तुम हर्ष के बारे में? हर्ष बेटा है हमारा, जैसे राजेश रूही शिखर है हमारे लिए, वैसे ही हर्ष है। अच्छा एक रिक्वेस्ट थी आपसे, हमें ना माता के मंदिर से एक फूल लाकर हर्ष के माथे पर लगाना है ताकि माता रानी की कृपा से उसकी जान बच सके। क्या हम जा सकते हैं अंदर? हाँ तो जाओ ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है यार। हर्ष को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए हमने ये सिक्योरिटी बिठाई है, उसकी माँ को उससे मिलने से रोकने के लिए नहीं। हा? हम जा रहे अपना काम करने, तुम चौकन्ना रहना, कड़ी नजर रखना। अगर जानकी यहाँ आई भी तो उसको गलती से भी हर्ष से मिलने मत देना। वैसे जानकी के खिलाफ इतने कान भर दिए हैं ना राम की,
कि वो तो उसे हर्ष से मिलने नहीं देंगे। तुम पल पल की खबर करते रहना हमको। आप चिंता मत करो, जाओ। दीप, चल बेटा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, एक हाथ पैसे दो उस साथ लड़की लो। इसका मतलब पापा नितिन हमें बचाने आए हैं? देखिए भाई साहब, इतने कम टाइम में हम इतना ही पैसा जमा कर पाए हैं। जैसे हमसे पहले भी कहे, आप वापस कह रहे हैं, पूरा पैसा लौटा देंगे, बस हमारी बेटी को छोड़ दीजिए। ये लीजिए ना, छोड़िए ना उसे, प्लीज छोड़िए। पापा यहाँ है, पापा ये हम कर रहे हैं बेटा, कितने पैसे दिए। अरे ब्रिज मोहन जी, पागल समझ रखा है क्या तुमने हमें? हमने ये कब कहा था कि तुम थोड़े थोड़े पैसे करके हमें महीनों तक देते रहो? हमने ये कहा था कि पूरे पैसे लाओ और अपनी लड़की को ले जाओ। देखिए वादा करते हैं, है? पूरा पैसा चुका देंगे। चलो। अरे अरे हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे छोड़िए, आप बाहर छोड़िए ना प्लीज। क्या करो तुम लोग हमारे पापा के साथ? छोड़ दो उन्हें। नितिन, लेकर आए हो जो हम लाने को कहे थे? ये लीजिए, ये दवाई बहुत खतरनाक है। जिसे खत्म करना है उसकी बॉडी में इसे जरा सा इंजेक्ट कर दो, मिनटों में उसका काम तमाम। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण यही आएगा कि ब्लड में क्लॉट बनने की वजह से इंसान की मौत हो गई। फूल हर्ष के पास रख देंगे, हम अंदर जाने की जिद नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फूल जल्द से जल्द हर्ष के पास पहुंचे। आप रख देंगे प्लीज? माँ क्या कह रही हैं आप? अपनी हालत तो देखो पहले, कम से कम पैरों पे दवाई लगाने दो। राजेश तुम चुप करो, जब तक ये माता रानी के आशीर्वाद के फूल हर्ष तक नहीं पहुँचते हमको कोई दवा नहीं चाहिए। सविता तुम अंदर जाके ये माता रानी के फूल हर्ष के पास रख दो, जाओ। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। आप नहीं चाहते कि कोई हर्ष के पास जाए। तुम हर्ष की माँ हो, उसके कोई दुश्मन नहीं हो, जाओ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। सविता हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है माता रानी के आशीर्वाद से हर्ष फिर से ठीक हो जाए। जाओ। हम यही चाहते हैं राव। जाओ सविता।
ये पल तुम्हारी जिंदगी के कुछ आखिरी पल हैं हर्ष शास्त्री।